बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम आज हम बनाएंगे मीठे चावल गुड़ वाले चावल जो कि बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ चावल बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा उसके लिए हमने ले लिए हैं 500 ग्राम चावल इनको हमने भिगो दिया था एक घंटा पहले और साथ हमने पाँच सौ ग्राम गुड़ ले लिया है जितने चावल होंगे उतना ही वेट में हमने लेना है गुड़ साथ में हमें चाहिए होंगे ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के जो मर्ज़ी ले लें मैंने यहाँ पे ली है किशमिश बादाम, काजू और साथ में हमें चाहिए होंगी सब इलायची तीन से चार अदद और कुकिंग ऑयल पानी हमने चावलों को उबालने के लिए रख दिया है पानी गर्म हो रहा है हमारा दूसरे बर्तन में हम डालेंगे गुड़ और साथ में हमें यहाँ पे चाहिए होगा पानी हाफ कप आधा कप और इसके अंदर हमने पकाना है गुड़ को ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए ये देखिए यहाँ पे मेल्ट हो रहा है ये तकरीबन दस मिनट लगेंगे इसको पकने में मेल्ट होने में और अच्छे से इसको मेल्ट करना है हमने देखिए तकरीबन मेल्ट होने वाला है थोड़ा बहुत रह गया है मज़ीद हम इसको दो मिनट के लिए पकाएँगे हाँ जी ये गुड़ मेल्ट हो चुका है इसको हम रखेंगे एक साइड पे देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और जो पानी हमने रखा हुआ था उसमें हमने डाल दिए हैं चावल जो हमने भिघोए हुए थे और इनको हमने हाफ डन करना है फुल नहीं इनको पकाना हमने तकरीबन चावल जो हैं वो हो चुके हैं इनको भी हम उतार लेंगे हाफ़ डन हो चुके हैं चावल अब हमने करना ये है कि डालना है इसके अंदर कुकिंग ऑयल। तीन से चार खाने के चम्मच हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा और साथ में हमने इसके अंदर डाल लेनी है सब्जी इलायची इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए हल्का सा करना है और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम और किशमिश इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही हमने यहाँ इसके अंदर शामिल कर लेनी है ये गुड़ की सिरप जो हमने बनाया हुआ था ये वाला इसको पकाएंगे एक मिनट के लिए ताकि ये फिर से गर्म हो जाए अच्छे से और साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं चावल जो कि हमने हाफ़ डन किए हुए हैं पहले से इन सबको मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं आपने ज़ोर से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं देखिए एक दफ़ा सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये गुड़ के अंदर अच्छे से पक जाए बिल्कुल हल्के हाथों से मैं हिला रही हूँ देखें मिक्स हो गए अच्छे से अब हमने इसको तकरीबन पाँच से सात मिनट के लिए इसको बिल्कुल हमने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप मीठे के अंदर डालते हैं तो वो एकदम सख्त हो जाती है फ्लेम लो होगी तो फिर उसके ऊपर आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल सही पकेंगे ये देखें सात मिनट के बाद पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और चावल भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं जितने हमें चाहिए थे और फिर से हम इसको हिलाना नहीं इसको बिल्कुल चावलों को और फिर से हम इसको पाँच मिनट के लिए दम पे लगा देंगे जी गुड़ वाले चावल हमारे बन के रेडी हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह